सर, आज रजत जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस तरह का कार्यक्रम था, क्या किया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आपने ही कहा कार्यक्रम किया गया। पहली बार पूरे देश में ये कार्यक्रम एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गौतम बुद्ध नगर ने किया। मैं कहता हूँ मेरा सल्यूट उस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को क्यों ना हो जिसने हम फौजियों को कारगिल विजय दिवस पर इज्जत दी। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर कारगिल तक जाकर कर सकता है तो क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम फख्र करें कि उन्होंने हम सभी लोगों को जो कारगिल वॉर के वेटरन्स हैं उनको अपने यहाँ बुलाया। मेरे ख्याल इससे बड़ी इज्जत हमारे लिए नहीं हो सकती। देखिए, रशियन डेलीगेट्स जो आए थे वो रशियन मिलिट्री अटैशे ऑफिस से आए थे, क्योंकि रशियंस अपने आप में हमें वो इज्जत देते हैं हमारे जज्बे के लिए, लड़ाई के लिए। ये एक इम्पॉसिबल लड़ाई थी कारगिल। पूरी दुनिया में इस हाइट पर आज तक कोई लड़ाई ना हुई है और ना होने की उम्मीद है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इस लड़ाई को ना केवल किया बट इसमें सक्सेस पाई, क्योंकि सक्सेस हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में 1:18 or 20 के रेशो पर होती है। हमने इसे 1:8 or 10 के रेशो पर करके दिखाया। मुझे लगता है कि हम सबको अपने सैनिकों के ऊपर गर्व है कि एक उस लड़ाई को जिसका कभी कोई सपना नहीं ले सकता, इंडियन आर्मी ने वो कर दिखाया। थैंक यू।